12 साल 4000 से ऊपर दिन और 18 सीरीज के बाद जब टीम इंडिया की हार हुई तो लोग विराट और रोहित की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये दो दिग्गज टीम इंडिया की दीवार रहे। लोग सवाल पूछ रहे थे कि यार विराट और रोहित स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विराट और रोहित एक जमाने में स्पिन बहुत अच्छी खेलते थे और अब ऐसा लगता है कि एक अनरियल डाउनफॉल जो है वो विराट और रोहित का स्पिनर्स के सामने दिख रहा है, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि आंकड़े विराट और रोहित की यही कहते हैं। और आंकड़े इमोशंस पर नहीं, आंकड़े फैक्ट्स पर होते हैं। जैसे अगर ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट दोनों की बात की जाए तो साल 2016 में ओडीआई क्रिकेट में स्पिन के सामने विराट कोहली का जो एवरेज था वो 62 का था, टेस्ट क्रिकेट में इट वॉज 96। ये विराट के पी के रास्ते थे। 2017 में विराट कोहली का ओडीआई में जो स्पिनर्स के सामने एवरेज था वो 167 था, 167। टेस्ट क्रिकेट में इट वॉज क्लोज टू 70। 2018 में विराट कोहली का एवरेज स्पिनर्स के सामने 85 था वनडे में, और टेस्ट में 69। 2019 विराट का अगेन पी कह रहा था, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट दोनों में क्लोज टू 150, मतलब 159 उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में स्पिनर्स के सामने था और 147 टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जब साल 2024 में हम और आप देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि विराट का ओडीआई में 13 का एवरेज है और टेस्ट में 27 का, जो एक अनरियल डाउनफॉल दिखाता है, अनरियल डाउनफॉल। ये विराट की बात कर रहा है, रोहित की बात भी करेंगे। विराट का एवरेज 21.95 है, करियर लोवेस्ट अगर आप एवरेज देखेंगे तो ये साल है। 2008 में जब विराट कोहली ने करियर की शुरुआत की थी तब उनका 31 का एवरेज था, 2020 में 36, 2021 में 37, 2015 में 38, 2022 में 38, बट इस साल 21, विच इज लोवेस्ट ऑफ हिज करियर। और सेम कहानी रोहित शर्मा की भी, ओडीआई और टेस्ट में। रोहित शर्मा ओडीआई टेस्ट में साल 2015 में ओडीआई में 101 का एवरेज स्पिनर सामने रखते थे, 30 का एवरेज था टेस्ट में। फिर 2016 में 53 का एवरेज था विराट का और रोहित का वनडे में। 2017 में 103 का एवरेज स्पिनर के सामने ओडीआई में और 118 का टेस्ट में। 2017 में 103 का एवरेज वनडे में, 118 का टेस्ट में। 2018 में 135 का एवरेज वनडे में। 2019 में 122 का एवरेज वनडे में, 156 टेस्ट में। बट 2024 में रोहित शर्मा भी 34 का एवरेज मेंटेन करते हैं टेस्ट और वनडे में। अब आप सोचिए 2019 में रोहित का स्पिनर्स के सामने एवरेज 122 ओडीआई में था, 156 टेस्ट में, और अब केवल 34 है। दैट्स अनरियल डाउनफॉल। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी थे जो ओनली प्लेयर टू स्कोर डबल डिजिट 30 लगातार इनिंग में, और आज आखिरी के 8 इनिंग में 6 में सिंगल डिजिट है। अ बिग डाउनफॉल फॉर रोहित शर्मा। रोहित और विराट दोनों को कमबैक करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग कमबैक करना पड़ेगा। बॉर्डर गवास्कर में अगर नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के करियर का रेड बॉल करियर में दी एंड हो जाए। बॉर्डर गवास्कर सीरीज इन दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है, 5 मैचों की सीरीज। अगर इंडिया वहां हार जाती है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। विराट कोहली पुणे टेस्ट में फ्लॉप थे दोनों इनिंग में, रोहित दोनों इनिंग में फ्लॉप थे। विराट के ऊपर रनआउट के भी एलिगेशन लगे, एग्रेशन दिखा, गुस्सा। न्यूजीलैंड सीरीज में विराट बहुत इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, रोहित भी नहीं छोड़ पाए, बांग्लादेश में भी दोनों नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जो डाउनफॉल है, अनरियल डाउनफॉल है स्पिन के सामने। आपको क्या लगता है क्यों है और क्या दोनों इससे निकल पाएंगे? व्हाट्स योर टेक?